आज की डेट है 21 अगस्त 2023। चार न्यूज़ है आज की द हिंदू में। फर्स्ट न्यूज़ चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। अगेन एक एडिटोरियल है एयरलाइंस के पायलट को जो छुट्टी नहीं मिलती उसके रिलेटेड है। और एक इम्पोर्टेंट इशू है कच्चा थेव कंट्रोवर्सी आइलैंड, उसको डिस्कस करेंगे। और रशिया का एक लूनर मिशन है लूना 25, वो क्रैश हो गया, उसके बारे में। फर्स्ट न्यूज़ चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया फर्स्ट, थोड़ा स्टैटिक डाटा देख लीजिए। अभी तक 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पे लैंड किया है। फर्स्ट कंट्री यूएस है, सेकंड यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो अभी रशिया है, और थर्ड चाइना है। इन 3 कंट्रियों ने रशिया के ऊपर, चाइना मून के ऊपर लैंड किया है। उनका लैंडर, लैंडर रोवर क्या होता है? लैंडर मतलब जो सरफेस के ऊपर लैंड करेगा, रोवर मतलब सरफेस के ऊपर लैंड करने के बाद जो रोवर मतलब मूव करेगा गाड़ी के जैसा। ठीक है, और ऑर्बिटर मतलब जो उसको ऑर्बिट लगाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सारी कंट्रीज ऑर्बिटर उन्होंने किए। ये जो ग्रीन कलर में है उनके मिशन पास हुए हैं, और जो पिंक कलर में उनके फेलियर हुए। ठीक है, तो इंडिया का पहले एक लैंडर फेल हुआ था और रोवर भी फेल हुआ था। अब ये चंद्रयान 3 है तो इसमें देखेंगे। और एक ही कंट्री जिसने अपने आदमी मतलब क्रू मतलब मैन मिशन भेजा था वो है यूएसए मून के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, अभी करंट न्यूज़ क्या है? द लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो है ना इसके अंदर लैंडर भी है रोवर भी है। तो जो लैंडर मॉड्यूल होगा ना वो वेनसडे को लैंड होगा ये बोला गया। अभी तक 5 कंट्री जो है उन्होंने दे हैव रीच टू द मून, कौन कौन सी है? सोवियत यूनियन जो अभी रशिया है, यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इन कंट्रियों ने आप अभी तक मून के ऊपर दे रीच टू द मून। ठीक है, और जो मिशन से उसमें मतलब मैन मिशन नहीं था, वो अनक्रूड मिशन था, मतलब खाली मून के ऊपर वो लैंड हुए जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिए, 2 प्राइवेट कमर्शियल कंपनीज हैं मतलब विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, जापान और इसराइल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी जा चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, यही न्यूज़ है। अभी कच्चा थेव कंट्रोवर्सी क्या है? कच्चा थेव एक आइलैंड है 285 एकर्स का, और ये 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ द रामेश्वरम, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम जो पॉइंट है वहाँ से वो 14 नॉटिकल माइल्स पे। और दोनों कंट्री के फिशर्समैन यहाँ पे फिशिंग करते हैं, लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से वी हैव सीडेड दिस आइलैंड टू द श्रीलंका। अभी देखेंगे कैसे क्यों दिया अपन ने उनको। तो उसकी हिस्ट्री देखिए, श्रीलंका सबसे पहले इसके ऊपर अपना क्लेम करता था सोवरेनिटी कच्चा थेव के ऊपर। एंड श्रीलंका किस बेसिस पे करता है? क्योंकि पुर्तगीज जो थे दे है ऑक्यूपाइड द आइलैंड, कब? 1505 to 1658 में उन्होंने वो आइलैंड ले लिया था एंड उनका जुरिडिक्शन इस पे था। तो इंडिया क्या बोलता है, लेकिन जो राजा ऑफ रामनाथपुरम जो थे उनकी जमीन जो थी वो इस आइलैंड में भी थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी थी, वो पर्सनल जमीन का मतलब ये होता है। तो राजा रामनाथपुरम के जो राजा थे उनकी जमीन में अंदर कच्चा थेव आइलैंड आता था। ठीक है, तो 1974 में जून 26, 28 में पीएम ऑफ इंडिया एंड पीएम ऑफ श्रीलंका कौन थे? पीएम इंडिया के, ये तो पता होना चाहिए आपको, 1974 में इंदिरा गांधी जी थी, और उनकी तरफ से श्रीलंका की तरफ से बंदर नायके ये थे, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और उसके हिसाब से ये जो आइलैंड आता है इट इज़ एन बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज इन द हिस्टोरिक वाटर्स फ्रॉम पार्क स्ट्रेट टू राम सेतु। पार्क स्ट्रेट टू राम सेतु के बीच में ये बाउंड्री आता है। ठीक है, पेपर में एडम्स ब्रिज लिखा था लेकिन उसको अपन राम सेतु ही बोलते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन जून 28, 1974 स्टेटेड दैट बाउंड्री हैज़ बीन डिफाइंड इन, जो 1972 में एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था वो क्या था? बाउंड्री हैज बीन डिफाइंड, एक सेकंड, बाउंड्री हैज बीन डिफाइंड इन अ कंफॉर्मिटी विद द हिस्टोरिकल एविडेंस, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंस। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है पुर्तगीज लोगों के और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, लॉज है, उसके हिसाब से उन्होंने ये बाउंड्री फाइनल कर दी है। दिस बाउंड्री फॉल 1 माइल ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अनहेबिटेड कच्चा थेव।
जो इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक खत्म होती है, ईस्ट साइड में कच्चा थीव के 1 नॉटिकल माइल के उधर ही अपनी बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो इंडिया की फिशर्स में यहाँ नहीं जा सकते। और 1976 में एक सप्लीमेंट पैक्ट किया था, 1974 में फर्स्ट पैक्ट हुआ, 1976 में सेकंड पैक्ट हुआ सप्लीमेंट पैक्ट। तो उसके हिसाब से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि फिशर्स मैन ऑफ द बोथ साइड शैल नॉट एंगेज इन फिशिंग इन हिस्टोरिक वाटर्स, टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ आइदर कंट्रीज विदाउट द एक्सप्रेस्ड परमिशन ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। दोनों ही कंट्री के फिशर्समैन दोनों की कंट्री के परमिशन के सिवा वहाँ पे फिशिंग कुछ नहीं कर सकते। तो उसके इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी नहीं कर सकते, टेरिटोरियल सी में भी नहीं कर सकते और हिस्टोरिक वाटर पर भी नहीं कर सकते। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, क्योंकि अभी कुछ फिशर्समैन तमिलनाडु के उन्होंने अरेस्ट कर दिए थे और पीएम ने भी इस आइलैंड का जिक्र किया है और तमिलनाडु के जो सीएम थे उन्होंने भी इसकी मांग की है कि वो आइलैंड वापस ले लिया जाए। ओके, फिशर्समैन ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन साइड के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशर्समैन हैं, दे सेड दैट दिस वुड ओनली टू ऐड देयर सफरिंग्स फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन यूजिंग द मेथड ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग। देखो, जो तमिलनाडु के फिशर्समैन है वो एक मेथड यूज करते हैं फिशिंग करने की, बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है, अगर ये देखिए, ये अगर सी है, ठीक है, ये सी है, ऐसा देखिए, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये सी है, ठीक है। तो जो बॉटल ट्रॉलिंग्स होता है ना, बॉटम ट्रॉलिंग, तो उसके अंदर ना जमीन के नीचे तक, जहाँ तक जमीन का सी बेड है, पानी का सी बेड जहाँ तक आता है वहाँ तक वो ट्रॉली डालते हैं और पूरा इसको नीचे से खींच के ऊपर लाते हैं। मतलब जितना भी उसमें जो भी आ जाएगा, कछुए वगैरह जो भी एनिमल्स आ जाएंगे, कचरा सब कुछ उसमें वो ले लेते हैं। तो उसकी वजह से ना जो भी इसके अंदर प्रेजेंस होगा वो सारा उनके इसमें आ जाता है। तो इसकी वजह से ना लाइफ साइकिल ऑफ फिशेस डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो अंडे वगैरह होते हैं वो भी उनके इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिशेस के। इसकी वजह से ये हार्मफुल मेथड यूज़ की जाती है तमिलनाडु के फिशर्समैन से। तो ये एक इशू था। और इन लास्ट 15 ईयर्स जो तमिलनाडु के सीएम रहे हैं जयललिता एंड करुणानिधि, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में गए इस मैटर पे, और अगस्त 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टांस रखा। क्या रखा है, द क्वेश्चन ऑफ रिवाइवल ऑफ कच्चा थीव फ्रॉम द श्रीलंका डिड नॉट अराइज, नो टेरिटरी बिलोंग टू द इंडिया वॉज सीडेड टू श्रीलंका। सेंटर ने क्या बोला है, क्वेश्चन ही नहीं बनता कच्चा थीव को वापस लेने का, बिकॉज नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू द इंडिया वॉज सीडेड टू श्रीलंका। वो टेरिटरी इंडिया को बिलोंग ही नहीं करती थी जो अपने उनको सीड की। इट कंटेंडेड दैट द आइसलेट वॉज मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सीलोन, मतलब श्रीलंका, एंड देयर वॉज अ नो एग्रीमेंट बाउंड्री। तो श्रीलंका में जब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे उनका और सीलोन श्रीलंका का वही डिस्प्यूट चल रहा था और उनमें भी कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था, और उस मैटर को अपन ने सेटल कर दिया 1974 और 1976 के सप्लीमेंट एग्रीमेंट से। बट इन दिसंबर 2022 में सेंटर ने फिर से रिप्लाई दिया राज्यसभा में। तो उन्होंने बोला कच्चा थीव लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मेरिटाइम बाउंड्री लाइन। तो जो ये अगर इंडिया है और ये श्रीलंका और ये बाउंड्री है, तो ये जो आइलैंड है वो उनके साइड में जाता है, उन्होंने ये बोल दिया। एंड एडेड दैट द सब जुडाइस इन द सुप्रीम कोर्ट, और सब जुडाइस का मतलब होता है जो मैटर चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यही है। देखो इस न्यूज़ में इतना ही, कच्चा थीव एक आईलैंड है ये याद रखिए, और उसकी एरिया 285 एकर्स में, और 14 नॉटिकल माइल्स दूर है रामेश्वरम आईलैंड से, जो कि तमिलनाडु में रामेश्वरम आता है। और दो एग्रीमेंट्स याद रखिए, 1974 का, 1976 का सप्लीमेंट एग्रीमेंट। पीएम के नाम याद रखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और बंदर नायके वो थे, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, पालक स्ट्रेट टू राम सेतु जो ब्रिज है, एडम्स ब्रिज, उनके बीच में आता है, ठीक है। एंड बाउंड्री हैज बीन डिफाइंड, किसके हिसाब से बाउंड्री डिफाइन की 1974 में, वो एक याद रखिए। बस यही है, बाकी कुछ नहीं, अभी जब कुछ होगा आगे देखा जाएगा। एडिटोरियल एपेज है, पायलट फेट्यूक्स इन इंडिया वेकअप कॉल फॉर एयरलाइन। देखिए इसमें ना ये बोला गया है कि जो पायलट्स होते हैं बहुत थक जाते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, 1976 में एक फ्लाइट थी जिनके पायलट गुप्ता जी थे और उनके लास्ट वर्ड थे कि मैं बहुत, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, और उनकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसमें 95 पैसेंजर्स मर गए। अभी ये प्लेन बॉम्बे टू मद्रास जा रहा है। अभी ये कोई आप लिखने वाली चीज़ नहीं है आंसर राइटिंग में, बस मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, एडिटोरियल में दिया बोल के टाइम पास।
और जब ज़्यादातर जो पायलट्स होते हैं उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से होती है, क्योंकि जब वो लैंड करते हैं ना तब उनकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल हार्ट बीट से भी, उसकी वजह से भी जो लैंड करते हैं वो तो कार्डियक अरेस्ट उनको आता है। और इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है पायलट्स के लिए उनको ऑफ नहीं दिया जाता, जैसे कि एक ग्राउंड स्टाफ होता है और एक पायलट स्टाफ होता है। ग्राउंड स्टाफ को वीक में दो दो दिन की छुट्टी रहती है, लेकिन जो पायलट स्टाफ होता है उनको एक ही दिन की छुट्टी रहती है। और जैसे कि आज अगर उन्हें लैंड किया सवेरे और रात को फिर उनको फ्लाइट रहती है तो उनकी नींद नहीं होती, बायोलॉजिकल साइकिल पूरी नहीं होती, बहुत बार फ्लाइट डिले हो जाती है उसकी वजह से पूरा साइकिल ख़राब हो जाता है। और उनका जो जेट लैग बोल के एक टर्म आती है, जेट लैग, जेट लैग का मतलब ये होता है, ठीक है, जेट लैग का मतलब ये होता है कि आपका जो आप किसी नई जगह चले गए, जैसे कि आप इंडिया से अभी इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे दिन है और आप रात में निकले थे यहाँ से, तो जो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल सोने की जगह आपको वहाँ दिन मिल गया तो आप सो नहीं पाओगे ना, बायोलॉजिकली एडजस्ट नहीं हो पाओगे, तो उसका जो लैग आता है ना उसकी वजह से बॉडी में, तो इसलिए कहते हैं कि आप जहाँ पे नई जगह जाओ वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद घूमो, तो वो चीज़ है। और जो को पायलट होते हैं उनको भी बहुत बार सीरियस इलनेस होता है, उनको घर से बहुत दूर दूर रहना पड़ता है, तो 8-8 दिन वो फैमिली के पास नहीं जा सकते, तो वो खुद से खुद मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से भी उनका मेमोरी पे मतलब मेंटल इश्यूज होते हैं, उनको ट्रेस ट्रेस कंडीशंस होती है उनकी। और जब वो मैंने अभी बताया आपको लैंड करते हैं तो उनकी नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है उनसे ज़्यादा 240 बीट्स पर मिनट वो चलती है, उसके उसकी वजह से भी उनको कार्डियक अरेस्ट आते हैं। और शुगर लेवल डिप्लेशन होता है क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं जिनके साइड इफेक्ट उनको पता नहीं होते बहुत बार। और जो स्लीपीनेस क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो लास्ट के 15 सेकंड्स होते हैं जब वो लैंडिंग फेज में होती है तब उसके उसमें वो हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से स्लीपीनेस उनको फील होता है। और उन्होंने ये बोला है कि ये सारे रूल्स बदलने चाहिए, इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए इंडिया ने, ये वगैरह बोला है, और उनको छुट्टियाँ देनी चाहिए, वीक में दो दो बार ऑफ लेना चाहिए, यही बेसिक बेसिक मोटा मोटा इसमें से निकल के आ रहा है, ठीक है, यही था आर्टिकल। और एक आर्टिकल है रशिया सा, रशिया का एक लूनर मिशन था लूना 25 बोल के, वो क्रैश हो गया मून के ऊपर, वो लैंड होने वाला था, ठीक है, तो वो भी साउथ पोल में जाने वाला था मून के, जहाँ पे लोग ऐसे बिलीव करते हैं फ्रोजन वाटर है एंड प्रीशियस मेटल्स है। और लूनर मिशन रशिया के सबसे पहले 1976 में उन्होंने किया था, और गवर्नमेंट है अभी तक, सो कौन से गवर्नमेंट ने मून पे लैंडिंग की, मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, सोवियत यूनियन, अभी रशिया है, यूएसए एंड चाइना, ठीक है, इन्होंने मून के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग की। और उसके बाद सदर्न पोल जो है वो परमानेंटली शाडो रीजन है और वहाँ पे फ्रोजन वाटर होने के चांसेस है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए सारे ये चल रहा है। अभी चंद्रयान 3 भी सदर्न पोल में ही जाएगा अपना, एंड 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद यूएसए के अंत में यूएसए ने लीड किया था यूएसएसआर को, यही है। और जो मार्स में उनका एक मिशन गया था 2011 में रशिया का, ये भी एक याद रखिए, देखो रशियाज मिशन का नाम याद रखिए, फोबोस ग्रंट मिशन, फोबोस ग्रंट मिशन जो है वो मार्स की स्टडी कर, मार्स के मून का नाम है फोबोस, उसकी स्टडी करने गया था और वहाँ के सॉइल सैंपल्स लेके अर्थ पे वापस आया था, ये याद रखिए। और उसके साथ वो चाइना का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन एक लेके गया था, यही फोबोस ग्रंट मिशन, उसका नाम है चाइना का इंटरप्लेनेटरी मिशन टू द मार्स कॉल्ड VM-01, ठीक है, और इज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन सिंस द अनसक्सेसफुल मार्स 96 मिशन, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखिए, फुबोज ग्रुंट मिशन ये इंपॉर्टेंट था, ये रशिया का मिशन है और ये मार्स के फुबोज जो मून है उसका उसके सैंपल लेके वापस आ चुका है। एंड जो फुबोज ग्रुंट मिशन है इज ऑल्सो कैरियड द चाइना फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू द मार्स कॉल्ड, वो चाइना के मिशन को भी साथ में लेके गया था अपने, ठीक है, यही था आज के न्यूज़पेपर में, थैंक यू।